या yeah, बट थोड़ा सा आज हम लोग लर्निंग करेंगे बिकॉज आई मीन मेरे फ्री टे, टेलीग्राम चैनल में पीपल हैव लाइक हाउ टू स्कैन है हाई डिलीवरी स्टॉक्स एंड एवरी थिंग सो जनरली मैं हाई डिलीवरी स्टॉक्स एंड सेक्टर को ही फॉलो करता हूँ तो मैं थोड़ी सी पैटर्न आप लोग को गाइड करूंगा जो आप लोग ट्राई मार सकते हो बेसिकली आपको अगर हाई डिलीवरी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आप एन uh, एस की वेबसाइट पे जाइए एन एस सी डॉट एन एस सी इंडिया डॉट कॉम ऑल रिपोर्ट्स में वहां पर आप फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डेटा को, को डाउनलोड करेंगे देन आपको कुछ ऐसा डेटा मिलेगा एंड इस डेटा में आप आ, ये सारे कॉलम्स है ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट एंड जो उसके कॉलम्स है उसमें आपको प्रीवियस क्लोज ओपन हाई लो एंड वो सारे कॉलम मिलेंगे और इसमें आपको ये लास्ट दो कॉलम भी मिलेंगे जो डिलीवरी क्वान्टिटी एंड डिलीवरी परसेंटेज बताएगा फॉर पर्टिकुलर डे सो जैसे ये थर्ड मे का डेटा है तो थर्ड मे में, में ये सारी डिलीवरी डेट एंड डिलीवरी डिलीवरी क्वांटिटी एंड डिलीवरी परसेंटेज दिखाई देंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं स्टोर करके आपको लास्ट दस दिन पंद्रह दिन या तीस दिन का कंपेयर करना है ठीक है तो मैंने पर्सनली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैं ये डेली डेटा रीड करता हूँ एंड देन आई कॉम्प्यूट के भाई लास्ट पंद्रह दिन के कंपेयर में या तो लास्ट तीस दिन या तो लास्ट फोर्टी फाइव डेज के कंपेयर में ये पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे कि ये थ्री सिक्सटी वन स्टॉक है तो उसमें ये डिलीवरी हुआ है थ्री एट फोर सिक्स वन फोर क्वान्टिटी का तो ये डेली एवरेज के कंपेयर में कितना अप है या कितना डाउन है एंड अकॉर्डिंगली आई पिक दी स्टॉक तो ये मेरा मेथड है अभी यहाँ पर आप दूसरा एक इजी वे कर सकते हैं कि स्टॉकेज एप्लीकेशन तो स्टॉकेज एप्लीकेशन मुझे बहुत पसंद है इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन एंड बहुत अच्छा डिसेंट पे में उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर भी आप जाके स्कैन uh, में जाइए स्कैन में आप वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन पे जाइए एंड देन वहाँ पर आप वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन वीकली स्कैन और मंथली मतलब वीकली कौन से स्टॉक स्ट्रांग है मंथली कौन से है तो आप उसमें जाके भी यू कैन गेट दी स्टॉक लिस्ट जैसे कि हाई डिलीवरी स्टॉक्स में गया हाई डिलीवरी स्टॉक्स में ये पूरा लिस्ट आ गया राइट अभी आपको क्या करना है ये लिस्ट को डाउनलोड करना है

बट एवरी डे में दो सौ स्टॉक को स्कैन करता हूँ इंडिविजुअली इन ट्रेडिंग व्यू एंड देन आई पिक द बेस्ट 10 और 15 स्टॉक्स जो भी 10 15 स्टॉक्स होते हैं मैं अपने प्राइवेट ग्रुप मेंबर में भी शेयर करता हूँ पीपल के साथ जो उनको बताता हूँ कि इसमें एंट्री कब है एग्जिट कब है स्टॉप लॉस कब है एंड देन क्यू एंट्री करना है कौन सा पैटर्न बन रहा है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स को इतने सारे 200 300 स्टॉक स्कैन करने की जरूरत नहीं है मैं उनको जो हिसाब से स्टॉक शेयर करता हूं वो उसमें से अपने बेस्ट पिक स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट डे जो भी सेक्टर अप है उसके हिसाब से एंट्री लेते हैं ठीक है थीके? तो ये एक लर्निंग हुआ दूसरा एक लर्निंग रहता है कि ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है अब तो ये प्लेटफॉर्म में मैं जनरली चार चीज़ें देखता हूँ मेरे जो वॉच लिस्ट है डेली वॉच लिस्ट वो मैं यहाँ पर uh, मेरे सिस्टम में अपलोडेड रहते हैं और उस डेली सॉफ्टवेयर में सॉरी डेली स्टॉक्स में वॉस्टलिस्ट में जो भी स्टॉक्स है वो सारे ये गेनर सेक्टर मतलब आज की तारीख में जो गेन कर रहे हैं वो सेक्टर में अवेलेबल है कि नहीं है तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर यस नो बताएगा कि भाई अजेंटा फार्मा तो अभी जितने हैं तो लास्ट फ्राइडे सेक्टर बहुत ही खराब थे सारे मतलब नॉट परफॉर्मिंग वेल सो वो बता रहे कि गेनर सेक्टर में नहीं है आज की तारीख में बट अगर गेनर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल थे तो ये कोल इंडिया तो कोल इंडिया अवेलेबल था तो जैसे ही मैं कोल इंडिया में क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता देता है कि वो कौन से पेयर कंपनी से ठीक है और कौन से स्टॉक से जो अप है तो इसमें कोल इंडिया एंड जीएमडीसी ये दोनों स्टॉक अप थे तो वैसे ही यहाँ पर गेनर सेक्टर में जो भी स्टॉक अवेलेबल रहते हैं जैसे कि ई मुद्रा है इंजीनियरिंग इंडिया है तो ये सारे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट एंड इंजीनियर इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बताएगा कि इंजीनियर इंडिया बिलोंग्स टू विथ सेक्टर लाइक कंसल्टिंग कंसल्टिंग में कौन कौन से स्टॉक्स है तो कौन कौन से सेक्टर्स से है जो अप है तो जैसे कि एस डब्ल्यू सोलार है वो अप है इंजीनियर्स इंडिया आर ई पी एल दोनों वीक है तो मतलब ये मुझे एक आइडिया देता है कि भाई जनरली मुझे कोई भी स्टॉक में एंट्री मारना है मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि पहले मैं हाई डिलीवरी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ लिस्ट में ऐड करता हूँ सेकेंड क्राइटेरिया है कि भाई वो हाई डिलीवरी स्टॉक्स जो पोटेंशियल ब्रेकआउट्स है वो स्टॉक्स अप है कि नहीं है तो लेट्स से ई मुद्रा जब जस्ट आप कहना है जस्ट एन एग्जांपल डोंट टेक इट सीरियसली ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक बट ई मुद्रा आप है अभी मैं क्या देखूंगा कि ई e मुद्रा में उसका सेक्टर जो है वो सेक्टर अप है कि नहीं है तो वो सेक्टर अप है अभी वो सेक्टर में कितने स्टॉक अप है तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक अप है ये फर्स्ट पेज एंड ये सेकंड पेज सॉरी सेकेंड पेज में जो स्टॉक्स है वो डाउन है बट ओवरऑल अगर मेजरली देखने जाए तो

हम लोग ये नहीं देख पाते कि वो रिस्पेक्टिव सेक्टर्स और उसके जो पीयर कंपनीज है वो स्ट्रांग है कि नहीं है एंड स्पेशली मार्केट ओवरऑल मार्केट में भी वो सेक्टर पर्टिकुलर स्ट्रांग है कि नहीं है अभी जैसे यहाँ पर देखने जाओ तो ओवरऑल मार्केट वॉज नॉट गुड राइट ऑलमोस्ट अगर देखने जाओ तो ये पॉजिटिव परसेंटेज मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में यहाँ पर चेक करता हूँ तो लार्ज कैप में वन पॉजिटिव थे टू नेगेटिव थे तो मतलब थर्टी ही है मतलब आउट ऑफ हंड्रेड स्टॉक्सिटिव ऐसे पर हम लोग अभी भी एंट्री मार सकते हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दी ओवर यू लाइक हाउ आई एम स्टडी एंड ये पूरा डैशबोर्ड मुझे बहुत ही हेल्प करता है एंड देर आर मेरी अदर फीचर्स which uh, I am going to include over here. Uh, right now, this is not available to private group member, but मैं उनको daily guide करते रहता हूँ on the basis of this and उनको बहुत सारा benefit भी मिलता है when they are making the entry. Okay. Now let's go uh, come back to the uh, original our uh, sector analysis. Now Nifty को अगर देखने जाओ तो last week ये uh, Nifty का अगर last week देखो देखने जाओ तो again the same case ये particular range में अटका हुआ है. ये रेंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है एंड एज इट इज मैं वापस वही रिपीट करूंगा कर कि जब तक ये स्ट्रांग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता है तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है ऐसा लग रहा है एंड uh, ये अभी देखने जाए तो लास्ट वीक भी इतना कुछ अच्छा नहीं गया है लास्ट फ्राइडे वॉज बैड सो ओवरऑल निफ्टी इज इन स्टक इन दिस पर्टिकुलर रेंज ओनली सो लेट्स वेट एंड सी लाइक निफ्टी के और निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स भी करेक्ट कर रहे थे जैसे कि एल लार्सन है रिलायंस है करेक्ट कर रहे थे इन सेंस आई मिन कुछ सेलिंग आया हुआ था भारतीय एयरटेल है वो सारे में सेलिंग आया हुआ था इसीलिए थोड़ा सा डाउन है ना इवन सेम केस अगर निफ्टी बैंक को देखने जाए सॉरी बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी निफ्टी से बेटर लग रहा है वो निफ्टी को तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है ठीक है बट अगेन द सेम सिचुएशन जब तक ये पर्टिकुलर रेंज में अटका हुआ है इट इज इनडिस सो ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज नॉट इन गुड शेप बट आई वुड सजेस्ट आई मे फ्यू सेक्टर्स आर रियली डूइंग गुड जैसे कि, सेक्टर मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया और हम लोग ने बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री भी लिया है जो मैं आपको बताऊंगा कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हम लोग ने एंट्री मारा था तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है लुकिंग वेरी स्ट्रांग स्ट्रांग वेरी वेरी अगर आप इसका रेशियो चार्ट देखोगे तो इट्स आफ्टर ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर लेवल इट इज रियली डूइंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज वेल एंड एज वी नो अगर इफ मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम एंड देर मेन फोकस इज लाइक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सोलर एंड एनर्जीज Uh, and then uh, all the other sectors like which we just dis keep discussing every time right now next next stock uh, sector is pharma so pharma is again uh, doing okay not bearish not bullish but uh, again wo, uh, ye range mein, ki kar then uh, next sector is metal metal also again looking very strong jo bhi metal may mid cap small cap may stocks they are uh, forming a good, good base and uh, trying to break it out सो मेटल सेक्टर में भी आप ध्यान दे सकते हैं कुछ स्टॉक्स सम स्टॉक्स आर रियली डूइंग गुड ठीक है नाउ अगेन इफ यू लुक एट दी अदर सेक्टर आर ओके ओके आई टी सेक्टर सबको पता है वेरी पुअर देन बैंक निफ्टी अगर देखने वापिस रेशियो चार्ट में हम लोग ने नॉर्मल चार्ट देखा था बट रेशियो चार्ट में देखो तो ये हम लोग यहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये पूरा बेस बना रहा है और बेस बनाने के बाद इट इज ट्राइंग टू मूव अट अप राइट लास्ट वीक थोड़ा सा बैरिज था सेलिंग आया था बट ओवरऑल लुकिंग वेरी गुड लाइक स्पेशल एंड एच डी एफ सी बैंक मीडिया सेक्टर नॉट गुड आई टी सेक्टर नॉट गुड इफ यू लुकेट आई टी सेक्टर नो ऑटो सेक्टर इज ओके आई मीन नॉट डूंग बैड बट इट इज ट्राइंग टू पुल इट अप कुछ ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स है जो स्ट्रांग है एंड पुलअप करने की कोशिश कर रहे हैं बट ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन के कारण वो वापिस थोड़ा सा नीचे आके वो वहां पर क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो इट्स नॉट वीक बट वी नीड टू बी केयरफुल इन ऑटो सेक्टर एज वेल बिकॉज अगर ओवरऑल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा इंपेक्ट आ सकता है एंड बाकी अगर आप ओवरऑल स्मॉल कैप देखने जाए तो नॉट बैरिश बट ये रेजिस्टेंस पे है जैसे हम लोग ने बात किया था रेशियो चार्ट में कि वीकली रेजिस्टेंस लेवल पे है तो रेजिस्टेंस पे ऑब्वियसली थोड़ा तो करेक्शन बनता ही बनता है तो ये थोड़ा सा नीचे आके फिर आ, पुल बैक करने की कोशिश करेगा एंड अगर मिड कैप देखने जाए तो मिड कैप इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड आपको लगेगा कि रेशियो चार्ट में अच्छा लग रहा है बट कुछ मिड कैप में अगर आप देखने जाओ तो दे आर रियली डूइंग गुड इवन मार्केट करेक्ट कर रहा है बट वो सारे स्टॉक्स फिर भी अपनी जगह पर बैठे है अब जिसमें एग्जाम्पल देता हूँ कि एक स्टॉक है जिसमें मेरा एंट्री है एसडब्ल्यू सोलर नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक उ स्ट्रॉट इज मार्केट भले ही करेक्ट कर रहा है आप देखने जाओ तो ओवर एक्सटेंडेड बता रहा है इंडिकेटर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इतना चल रहा है और इसमें वॉल्यूम भी वेरी स्ट्रॉन्ग लुकट दिस डेली चार्टॉल्यूम इज वेरी वेरी गुड राइट ये यहाँ पर ये यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया थोड़ा सा सेकआउट किया यहाँ पर और सेक आउट करने का भी पैटर्न देखिए ये जो ऊपर वाले कैंडल है और नीचे वाला वॉल्यूम देखिए राइट तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कई बार ऐसा लगता है ना कि आप टीवी देखते रहते हैं न्यूज चैनल देखते रहते हैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं बोलते हैं निफ्टी गिरने वाला है बैंक निफ्टी करेक्ट करने वाला है बट यू शुड बी ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू योर स्टॉक्स अगर आपने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए एंड आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक कर रहे हैं देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल के एसडब्ल्यू सोलर का एक एग्जांपल लेते हैं ये देखिए यहां पर एसडब्ल्यू सोलर उसका रिजल्ट देखते हैं ओके लेट्स लुक एट द रिजल्ट ऑफ एसडब्ल्यू सोलर दिस इज द बेनिफिट जब आप रिजल्ट देख के फिर उस कंपनी में एंट्री लेते हैं लुक एट दिस रिजल्ट सेल्स देखिए एट्टी से सॉरी वन वन सेवन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मतलब परसेंटेज ऑफ सेल्स इट इज ग्रोइंग अनबिलीवेबल सिमिलर वे नेट प्रॉफिट देखिए आप वन पॉइंट फोर्टी माइनस फोर ट्वेंटी का लॉस से टर्न अराउंड स्टोरी राइट सेम वे एपीएस देखिए देखिए अभी आप सोचिए कि ये स्टॉक में आपको रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए मार्केट की कंडीशन देख के ये पूरा कप बनाया कप टाइप पैटर्न एंड देन नाउ ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट किया रिटेस्ट भी सी हाउ इट इज रिटेस्टेड आई मीन ऑन वेरी लो वॉल्यूम राइट लुक एट दिस वॉल्यूम एंड नाउ अपर सर्किट मारा था इतने खराब मार्केट में भी फाइव परसेंट का अपर सर्किट मारा है सो ऐसे स्टॉक्स आपको हमेशा रडार में रखने गुड रिजल्ट ठीक है सो दट इज ऑल अबाउट एनर्जी सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नाउ लेट्स लुक एट दॉलिस्ट एंड हम लोग की वॉचलिस्ट में देखते है कौन से स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के है नेक्स्ट वीक के लिए है जिसपे आप फोकस कर सकते हो ठीक है मैं इसको वापस थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ uh, uh, देखेंगे तो नाम इंडिया अगेन uh, जैसे आप मैंने बुलाया जैसे इसका चेक किया, इंडिया का भी रिजल्ट चेक करके देखना ये स्टॉक हम लोग लास्ट थ्री वीक से ट्रैक कर रहे हैं ओके एंड अभी भी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है बहुत ही स्ट्रांग देर इज नो वीकनेस एट ऑल अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर आप देखो इसका प्योर प्राइज एंड एक्शन लुक एट दॉल्यूम लुक एट दाइज द वेट इज मूविंग राइट सो यू डोंट हैी पी आई एल लुक एट दीकली चार्ट कहीं पर भी आपको एग्जिट नहीं दिख रहा है कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ठीक है स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग कर अगेन अ वेरी स्ट्रांग बैंकिंग सेक्टर आप नीचे देखिए जस्ट वॉल्यूम देखिए आई मीन इफ यू इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू मास्टर योर रीडिंग दी वॉल्यूम एंड प्राइज देन देर इज़ नो नीड ऑफ एनी न्यूज चैनल नो नीड ऑफ एनी टेलीग्राम चैनल यू जस्ट फॉलो वन मेंटर वन कोच वन अप्रोच एंड यहां पर अगर देखने जाए तो सुपअप सुप वॉल्यूम एंड वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑन वीकली टाइम पे सी जी पावर अगेन सी जी पावर में भी देर इज नो वीकनेस ये छोटा सा सेलिंग कैंडल है बट इट इज नॉट इवन ब्रेकिंग लो ऑफ प्रीवियस वीक लो राइट लुक्स वेरी गुड आई आर सी टी सी नो वीकनेस सुपर स्ट्रेंथ थोड़ा सा ये रेंज में अटका हुआ है बट अगेन ट्राइंग टू पुल इट अप ये रेंज से बाहर निकला आगे जाएगा मंगलम सीमेंट सुपर स्ट्रांग आई थिंक ये मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू राइड इट आई मीन देर इज नो

वन थर्टी वन परसेंट इवीट करोड़ सेबाउट इट लाइक गुड कंपनी थोड़ा सा बड़ा भी है ऐसा भी नहीं है कि प्राइस को अप्रिशिएट अप्रीशिएशन नहीं मिला है बट स्टिल आई थिंक ये रेंज से बाहर निकला है ये पर्टिकुलर वेज से बाहर निकला है एंड लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कोल इंडिया ये इसकी बात कर रहा था मैं तो कोल इंडिया भी वेरी वेरी गुड हम लोग ने वापिस एंट्री मारा है इसमें यहाँ पर और ये बेस से निकलने पर एंट्री मारा है सो दिस इज ब्यूटीफुल पैटर्न आई मीन व्हेन इट इज क्रिएटिंग खराब मार्केट में फ्राइडे को इसने फोर पॉइंट दिया हुआ सोलर इंडस्ट्री अगेन स्टॉक गुड कंपनी गुड रिजल्ट एंड अगर इसको भी देखने जाए डेली स्टॉक चार्ट पे सेम छोटा सा बेस बना के

the price will give you a good move as well so this is one of the benefits which i can see when you have a bigger price uh, stock cesc same uh, story uh, again one minute let me load the chart same story very strong chart on weekly time frame and even daily time frame We have the so exact no weakness very very good stock irb infra just waiting for this particular level to break it out

एंड उस स्टॉक में मैं इमीडिएट एंट्री नहीं मारता हूँ एक बार रिजल्ट का एक दिन आ जाए रिजल्ट के नेक्स्ट दिन जब भी वॉलेटिलिटी कम होती है देन ओनली वी शुड मेक दी एंट्री तो ये स्टॉक में भी अगर आ, हम लोग ने यहाँ पर एंट्री मारा था इमीडिएट इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारा था एंड इट इज गिवन गुड मूव आई थिंक दो दिन में इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया हुआ है लेट्स लुक एट दी मूव एट परसेंट मूव राइट एंड थोड़ा सा ये स्कॉट किया है लास्ट डे बट स्टिल आई एम फाइंडिंग इट वेरी स्ट्रांग कंपनी वेरी रिजल्ट एंड अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे ओवरऑल सॉरी वीकली देखते हैं। चलो मंथली तो आ, वो रेंज से बाहर निकला है बट वीकली भी देखो ये पर्टिकुलर रेंज से ये बाहर निकला है अगर आप इस रेंज को नोटिस करो इफ यू जस्ट नोटिस दिस पर्टिकुलर रेंज सी लुक एट दिस रेंज ये रेंज से ब्यूटिफुली इसने बाहर निकला है राइट सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी बहुत पोटेंशियल है

थर्टी थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैपिटल है ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ ईबीटा एटी सिक्स परसेंट नेट प्रॉफिट सिक्सटी सिक्स परसेंट अमेजिंग स्टोरी सो अगेन सी ये ये बड़ा कैंडल देख के कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई बारिश है बट ऐसा नहीं होता है ये अर्निंग डे का कैंडल है तो अर्निंग डे के बाद ऐसा वॉलिटिलिटी बनता है एंड ये यहाँ पर रिट्रेस होकर एक अपॉर्चुनिटी देगा दे दे जहां पर आप एंट्री मार के यू कैन गेन मोर सो आई वुड सजेस्ट कीप दिस स्टॉक इन द सी फालतू स्टॉक में आप एंट्री लेते हो विदाउट नोइंग फंडामेंटल विदाउट नोइंग रिजल्ट एंड यू आर मेकिंग अ लॉस बेटर है कि आप फंडामेंटल कंपनी uh, देखो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है जिनके रिजल्ट स्ट्रांग आ रहे हैं एंड देन प्लान योर एंट्री अकॉर्डिंगली अदरवाइज आई मीन यू विल ऑलवेज एंडिंग अप अपनी लूजिंग द मनी एनएचपीसी जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाज लुकिंग वेरी गुड एंड एनएचपीसी ने ये पैटर्न भी बहुत अच्छा बनाया इसको आप अगर देखो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है देखो ये शोल्डर है ये लेफ्ट शोल्डर ये राइट शोल्डर एंड ये नेक हेड है राइट right, सो so इसको बोलते हैं इन्वर्ट ये जब तक इसके ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है जब जब इसके नीचे जाएगा देन इट विल बिकम अ नेगेटिव प्लान योर एंट्री इनटू दिस स्कोर इज गुड फ्रेश एंट्री इट इज शोइंग फ्रेश एंट्री वीकली आरएसआई वीकली मोमेंटम स्ट्रेंथ एवरीथिंग लुक्स गुड अगेन दिस इज अनदर कंपनी डब्ल्यू वेस्टकॉज पेपर वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इन पेपर इंडस्ट्री एंड ट्राइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर कप एंड इफ यू लुक एट दॉल्यूम सिंस लास्ट फ्यू वीक्स इट इज वेरी गुड एंड दिस कंपनी एक्चुअली आई हैव आइडेंटिफाइड इन लास्ट वन वीक बिकॉज लास्ट वन वीक पेपर सेक्टर वॉज रियली डूइंग गुड आप जाके पेपर सेक्टर के स्टॉक को स्टडी कीजिए सो आईम जस्ट वेटिंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली है

All buyers look at these buyers. They are making the runs. And look at this seller. So think about it. I mean, how to read price, volume, action, how to read this type of pattern? You definitely need to learn from some good mentor. Otherwise, I mean, you will not able to identify such good stocks. And with good sector as well. So Kali stock strong and sector weak, obi Dono Karnachi Metal. Again, a very super strong. वॉल्यूम देखिए स्कोर इज ट्वेंटी फ्रेश एवरी थिंग लुक गुड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेन एंड आई थिंक इसके भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए लेट्स इसके रिजल्ट पेंडिंग है प्रॉबेबली रत्ना मनी मैटर हाँ सॉरी रिजल्ट इज पेंडिंग बट चार्ट पैटर्न लुक्स वेरी गुड हाँ रिजल्ट अभी भी टाइम है बट जैसे लग रहा है चार्ट पैटर्न ये बना रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि रिजल्ट इट इज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट थिंक अबाउट इट नो ये वीक मार्केट में भी ये इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है पैटर्न लुक एट दिस पीपल आर बाइंग इट राइट सो आई वुड सजेस्ट कीप कीप अ टैप ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर एक अलर्ट एड करिए एंड जस्ट वेट फॉर दैट अलर्ट टू ब्रेक इट आउट प्रेस्टीज रियलिटी सेक्टर इज डूइंग गुड एंड प्रेस्टीज ज वन ऑफ द गुड स्टॉक एंड मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो इट इज ब्रोकन ऑल टाइम हाई था ब्रेक कर लिया है नाम this particular stock and we started with this। दिस so guys, स्टॉक I mean thank you very much and if you really like the video Uh, please click on like do like the video share it with your friends and if you want to join my private group channel uh, please connect me on telegram channel yeah thank you and bye-bye